आज आतंकी हमले से थर्रा उठा है जम्मू कश्मीर। जम्मू में आतंकवादियों ने डबल अटैक को अंजाम दिया है। कठुआ में पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद आतंकियों ने सांबा में सेना कैंप पर धावा बोला है। सांबा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने 3 में से 2 आतंकियों को मार गिराया है। सांबा में आतंकवादियों का गुट सेना के कैंप में जबरन घुस गया। सांबा में सेना और आतंकवादियों की इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। वैसा नीचे हो जाओ आप। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। और जो जानकारी जिस तरह की मिल रही है, ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। जम्मू के कठुआ में थाने पर आतंकी हमला हुआ है। फायरिंग में सेना के 6 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नवाज और मनमोहन की मुलाकात से पहले इस तरह के हालातों को अंजाम देना, किस तरह के मंसूबे हैं इन आतंकियों के, साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर दिल्ली में भी सियासत इस घटना को लेकर गर्मा गई है। यहाँ तक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि इस बातचीत को ही अब रद्द कर दिया जाना चाहिए। हीरानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है। पहले कठुआ में आतंकी हमला होता है और उसके बाद सांभा में भी इस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरा घटनाक्रम आपको ये जानकारी दे दें, 7:15 गुरुवार यानी कि आज सुबह आतंकियों ने कठुआ जिले के हीरानगर थाने पर हमला किया और फरार हो गया। और कुछ ही देर बाद यही आतंकी सांबा में सेना के कैंप को निशाना बनाने पहुंचे। वहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सांबा से हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, फिलहाल वहां क्या हालात है इस वक्त? इस वक्त यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जैसे कि बताया जा रहा है कि हीरानगर में जब इन्होंने किलिंग करी और वहां से एक ट्रक लेके भागे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर्मी कैंप में पहुंचे तो आर्मी कैंप के अंदर घुसके और इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें कि 2 आर्मी पर्सनों को जख्मी करते हुए ये अंदर आर्मी कैंप में इस वक्त भी छुटपुट फायर कर रहे हैं और अपनी पोजिशन संभाल के रखी हुई है उन्होंने। और बहुत ही यहाँ पे चापर की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है, उनको घेर रखा है और चापर किसे भी निगरानी की जा रही है। जी मैम, आप हमें बता पाए अगर मुमकिन है आपके लिए कि कैसे ये पूरा आतंकी हमला शुरू हुआ, इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अभी क्या हालात है वहाँ पर? जैसे कि हमारे सोर्सेज से पता चला कि ये वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब की तरफ से ये एंटर किया इन्होंने और हीरानगर में जितना भी इनका जो मेन मकसद था कि कोटी पर्सनल को टारगेट किया जाए और इन्होंने हीरानगर थाने के अंदर घुसके ही फायरिंग स्टार्ट कर दी और वहां पे जाके इन्होंने किलिंग स्टार्ट कर दी और वहां से एक जो कि कल रात को एक ट्रक को सीज किया हुआ था पुलिस की तरफ से, उस ट्रक को लेके वहां से भागे हैं और यहां पे आर्मी पर्सनल के आर्मी कैंप के अंदर घुस के इन्होंने यहां पे भी फायरिंग स्टार्ट कर दी है। जी मैम, क्या वो ट्रक सेना का ही था और उसके ड्राइवर के बारे में जानकारी मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है, इससे संबंधित क्या जानकारी है? जैसे कि हीरानगर थाने के अंदर इन्होंने 7 किलिंग की है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को भी माना जा रहा है और एक दुकानदार है जो कि वहाँ पे थाने के साथ में दुकान है, उसकी दुकान उसको भी मारा है और 5 पुलिस वालों को मार के ट्रक के जो क्लीनर होता है उसको इंजर्ड करके वहाँ से भागे हैं। जी मैम, फिलहाल कितने जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है? जी मैम, जैसे कि हीरानगर में 7 लोगों को रोकना चाहेंगे अनिल, इस वक्त सुशील कुमार शिंदे कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हम मालूमात ले रहे हैं। सुनवाएंगे अनिल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। अनिल, आप अपनी बात पूरी करें। जी मैम, जैसे कि हीरानगर से जैसे भागे हैं और यहाँ पे हीरानगर यहाँ पे सांबा के आर्मी कैंप में घुसे हैं तो घुसते ही इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें कि 2 आर्मी पर्सनल को की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 2 अभी तक जो सोर्सेज के हिसाब से पता चला है कि 2 मिलिटेंट को भी मार गिराया गया है। जी मैम, आप हमारे साथ बने रहिए अनिल। इस बीच 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से
जख्मी हुए हैं, हमारे शहीद कई हुए हैं, कई जवान जख्मी हुए हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आतंकियों ने दो दो बार हमला किया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से पहले कठुआ में और उसके बाद सांभा में इन आतंकियों ने हमला किया है। जान की बाजी लगा दी है हमारे जवानों ने, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और हमारे सेना के जवान वहां डटे हुए हैं। फिलहाल जानकारी के मुताबिक सेना की वर्दी में दाखिल हुए हैं ये आतंकी, और ऐसे में इन्हें समझ पाना कि आतंकी है बहुत मुश्किल था सेना के जवानों के लिए। संवाददाता जम्मू कश्मीर से आसिफ सुहाब जुड़ गए हैं। आसिफ, फिलहाल ये हमें बताइए कि किस तरह से कठुआ में पहले आतंकी हमले करते हैं आतंकी और फिर सांभा पहुंचते हैं। आसिफ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आसिफ तक जाएंगे हम दोबारा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, हमारे सेना के जवानों की मुस्तैदी देखिए। मुठभेड़ में फिलहाल दो आतंकी ढेर हुए हैं, छह जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है, और अभी भी हमारे सेना के जवान सुनियोजित प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक शातिराना अंदाज देखने को यहाँ आतंकियों का मिला है, और सबसे हैरानी की बात यह है, इसलिए हमारा देश ज्यादा चिंतित है क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के बीच होने वाली मुलाकात से एन पहले इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बातचीत हो? और जाहिर तौर पर देश में जिस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, पूरा देश गुस्से में है। राजनीतिक खेमों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बेहद सख्त है, और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात को रद्द कर देना चाहिए। एक तरफ आप शांति वार्ता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉर्डर एरियाज पर इस तरह आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। ये कहां तक जायज है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। जम्मू के कठुआ में थाने पर हमला होता है आतंकियों द्वारा। आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। फिलहाल जम्मू रेंज के आईजी का बयान आ रहा है, आइए सुन लेते क्या कहा है उन्होंने इस हमले के बारे में। आज सुबह करीब 7:45 बजे पहला इंसिडेंट जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर जो कठुआ जिले में आता है वहां पे हुआ। वहां कोई 3 से 4 मिलिटेंट्स एक ऑटो में बैठ के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन का संतरी जो था उसको फायर करके पहले उसको मारा, उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। अंदर जो हमारे लोग थे तो उनमें से 3 कैजुअल्टीज पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। फिर वहां पुलिस स्टेशन के बाहर से इन्होंने एक ट्रक पकड़ा और वो ट्रक का कंडक्टर जो था उसको वहां पे फायर किया, ड्राइवर को साथ लिया और वहां से ट्रक को लेके नेशनल हाईवे की तरफ निकले। नेशनल हाईवे पे कुछ दूर आके वो ट्रक को इन्होंने अबंडन किया है। वहां से शायद ऐसा लगता है कि दूसरा कोई गाड़ी साथ लेके उसमें बैठ के और यहाँ पे सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं। अभी जो आर्मी कैंप के अंदर एनकाउंटर जो चल रहा है। तो जम्मू रेंज के आईजी का बयान सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें सांभा से आ रही हैं जहां पर इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। ये जाना जा रहा है कि आतंकी कहां कहां छुपे हुए हो सकते हैं। 2 घंटे में 2 आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है, और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये रहा कि सेना की वर्दी में आतंकी दाखिल हुए हैं कैंप में, ऐसे में उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था सेना के जवानों के लिए। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी है, 6 जवान भी शहीद हुए हैं। फायरिंग अभी भी जारी है, जो जानकारियां मिल रही है हमें वहां से। सांभा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बीजे सिंह के शहीद होने की भी जानकारी मिल रही है। जम्मू में 2-2 घंटे के बीच में 2 बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, एक ऐसी साजिश जिसकी उम्मीद ऐसे वक्त पर नहीं की जा रही थी, जहां एक तरफ अमेरिका में नवाज शरीफ और हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होने को है, उससे एन पहले इस आतंकी साजिश को क्यों अंजाम दिया गया। सांबा से ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, चॉपर के जरिए लगातार ये टटोला जा रहा है कि आखिर कहां छुपे हो सकते हैं ये आतंकी और इनके पास कितने असलहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड से इन्होंने हमला किया है, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं 6 जवान अभी तक हमारे शहीद हो चुके हैं। इस बीच कामयाबी हमारे जवानों को, हमारी सेना को ये मिली है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। संवाददाता आसिफ सुहाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, फिलहाल ताजा जानकारियां, ताजा तस्वीरें सांबा से देख रहे हैं, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास?
देखिए अभी अपडेट यही है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उनके साथ साथ 6 सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, 3 सेना के जवान घायल हैं, लेकिन इस कैजुअलिटी के बाद सेना को ये कामयाबी मिली है कि 2 मिलिटेंट को मार गिराने में सेना कामयाब हो गई है। लेकिन जिस तरह की हमने पहले ही सूचना मिली थी सोर्सों द्वारा कि 4 मिलिटेंट ये थे जिन्होंने ये अटैक दोनों जगह पे अंजाम दिया, पहले तो हीरानगर में थाने में और उसके बाद यहाँ सांबा में आर्मी कैंप पर, तो उसमें से 2 तो फिलहाल मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन और 2 मिलिटेंट कहाँ पे पोजीशन लिए हुए हैं या और 2 मिलिटेंट जो है वो आधे रास्ते में फरार हो गए हैं इस बात का अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि अभी रुक रुक के जो फायरिंग है वो यहाँ कैंप में जारी है और कोशिश हो रही है सेना की तरफ से कि देखा जाए पूरी तरह से अगर और 2 मिलिटेंट हो सकते हैं यहाँ पे उनके कैंप के अंदर तो उन्हें भी मार गिराया जाए ताकि ये जो 4 मिलिटेंट है उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचा के इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए। सेना की प्राथमिकता अभी यही है, लेकिन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है ताकि जो मिलिटेंट है वो कहीं और पे हमला करने में कामयाब न हो। फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है, जो अधिकारी बता रहे हैं वहाँ हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं और कितने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है अभी तक? देखिए अभी तक जो जानकारी है, पहले तो पुलिस स्टेशन में जहां हीरानगर में उन्होंने हमला किया वहां पे 5 पुलिस जवान शहीद हो गए और साथ ही 2 सिविलियंस को वहां पे मार गिराया गया जिसमें एक कंडक्टर भी है वो। उसके बाद जो अटैक यहां सांबा में आर्मी कैंप पर हुआ उसमें 6 जो है सेना के जवान, उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल बीजे सिंह विक्रमजीत सिंह भी है वो शहीद हो गए। यहाँ पे 3 और जवान घायल हो चुके हैं और साथ ही एक ऑटो ड्राइवर जो हमें सूचना मिल रही है जिसको लेकर जो है ट्रक को छोड़ने के बाद मिलिटेंटों ने वो ऑटो पकड़ा था यहाँ कैंप तक पहुंचने के लिए, उस ऑटो का ड्राइवर जो है वो भी घायल हो चुका है और साथ ही 2 मिलिटेंट जो है अभी तक उनकी मौत। आपको हम रोकना चाहेंगे, चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं, ये सुन लेते हैं क्या कुछ हुआ उस वक्त वहां पर। क्या देखा आपने? मैंने सुबह 6 बजे के करीब वहाँ पे जो 3 उग्रवादी आए उन्होंने क्या किया, थाने के बाहर ना कोई सेंट्री था कुछ नहीं था, जो SHO के बाहर कमरा होता है ना ऑफिस के बाहर वहाँ पे एक आदमी था SHO का गनमैन था जो भी था माल सेंट्री था माल जो भी है उसको इन्होंने कोई 22-23 गोली लगाई है उसके ऊपर इस तरीके पे कि कम से कम 15-20 फुट जो था माल जरा मटीरियल तो दिमाग का वो मतलब बिछड़े था उसका मतलब वो बेचारा सही रहेगा 5 बजे ड्यूटी दिया बेचारा 5 बजे से ड्यूटी 6 बजे मतलब इस तरीके उदे बाद इन्हें कनेक्टर जेड़ा इन्हें ट्रक जब जो थाने में निकले ना पवन कुमार गुप्ता वहां पे जब हम सुबह 6:30 बजे पहुंचे ना वहां पे तो हमने देखा कि 3 उग्रवादी उन्होंने थाने के अंदर क्रॉस करके अनसली गोलियां चलाना शुरू कर दी। इतनी गोली चलाई कि जिसके वहां पे 7 बंदे आंसपाट खत्म हो गए, 3 बंदे इंजर्ड हैं, वो जम्मू में रेफर कर दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रक इन्होंने जब्ती में डाला था ना उसका कनेक्टर इन्होंने मार दिया, ड्राइवर को इस्तेमाल करके ले आए, ड्राइवर ने यहाँ पे छोड़ के ड्राइवर फिर वापस गया। उस गाड़ी में 7-8 हैंड ग्रेनेड भी थे मौके पे जब वापस गई गाड़ी, तो ये देखा गाड़ी कहाँ पे? गाड़ी थाने में, वो भी वापस में थाने में। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भी थाने में अभी। तकरीबन 6 बजे, मेरा नाम अशोक कुमार है, हमने ये देखा है कि ये 6 बजे का वाकया है, अचानक जब फायरिंग की आवाज आई तो हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मेरे भाई ने ये फोन किया कि जहाँ फायरिंग हो रही है आप बच्चों को जहाँ रोक रखा है। जब हमने थाने में जाके देखा तो ये एक तो बड़ी नेगलिजेंसी काउंट ये होती है कि थाने में कोई सेंट्री नहीं था, दूसरा जब वो जो माल खाने का सेंट्री होता है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, उसको मारा, उसके बाद उन्होंने अंदर जो जहां मुंशी बैठता है वहां फायरिंग की, उसको भी मारा, उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की और ट्रक को देखा कि ये ट्रक किसका है, ट्रक का क्लीनर वहां खड़ा था उसको मार दिया, ड्राइवर को उन्होंने पूछा तू ड्राइवर है, ट्रक निकाला, ट्रक निकालने के बाद वो उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी, रास्ते में वो नारेबाजी करते आए, अल्लाह अकबर करते आए, जो भी वो करते बोल सकते हैं उन्होंने बोला है, वो आर्मी की वर्दी में, वो पुलिस की वर्दी में थे। उसके बाद ट्रक लेके आए, ट्रक वाले ने उनको यहाँ उतारा सांबा में, उसके बाद ट्रक फिर वापस हीरानगर गया, ट्रक अभी हीरानगर पुलिस की कस्टडी में है। जब उस ट्रक को अंदर लेने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने जब ट्रक में बैठा वो चलाने की कोशिश की तो उसमें देखा ग्रेनेड जो है वो जिंदा ग्रेनेड उस ट्रक में भी पड़े हुए थे। अब ड्राइवर जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, ट्रक भी 7 लोग मरे हैं, 3 इंजर्ड हैं। जो लोग मरे हैं सुबह सुबह की बात है,
पुलिस वाले हैं, सिविलियन भी कोई मारा? एक सिविलियन है, उसका अभी पुष्टि नहीं हो सकी कि वो मर गया या बच गया है, लेकिन वो सीरियस इंजरी है। तो चश्मदीद बता रहे हैं कैसे आतंकियों ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया है।